subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता की, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपने कार्यों के कारण भगवान का दर्जा प्राप्त किया। झारखंड और बिहार के आदिवासी आज भी इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें उनके अनुयायी धरती बाबा कहकर बुलाते हैं। एक ऐसा नायक जिसकी तस्वीर आज भी भारतीय संसद में लगी हुई है, ऐसा नायक जिनकी जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। आज हम उस नायक के इतिहास को और उनके इतिहास में योगदान को जानेंगे। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं आलोक सक्सेना स्वागत करता हूं आपका ऑल एग्जाम प्लेस चैनल में एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में स्थित उली हातू नामक गांव में या स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कर्मी हाटू मुंडा था। इनका परिवार गरीब था और रोजगार की तलाश में इनके परिवार को उली हातू छोड़ना पड़ा और वह आकर कुरुमंदा में बस गया। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा तलगा के एक स्कूल में प्राप्त हुई और इसके बाद उन्होंने चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। हालांकि जर्मन मिशन स्कूल में उनकी शिक्षा को लेकर थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहां ईसाई संबंधित शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। फिर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। झारखंड में अंग्रेजों के आगमन से पहले वहां के आदिवासियों का राज हुआ करता था। दोस्तों, यहां से एक कहानी में आपको पता चलेगा बिरसा मुंडा की भूमिका और उनका योगदान, तो उनको हम जानते हैं। तो बात ये थी कि जब अंग्रेज भारत में आए थे और उसके बाद अंग्रेज जब झारखंड में आए, उससे पहले उस क्षेत्र में जनजातीय समाज में आदिवासियों का राज चला करता था और एक व्यवस्था वहां पे मौजूद थी जिसको कहते हैं खुट कुंटी व्यवस्था। दोस्तों, खुट कुंटी का मतलब होता है सामूहिक भू स्वामित्व, मतलब खेती पे सामूहिक अधिकार। किंतु अंग्रेजों ने इसे बदल दिया और उन्होंने इसे भू स्वामित्व की जगह निजी स्वामित्व में बना दिया। आदिवासी समुदाय जो था वो जल जीवन और जंगल के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता था। अंग्रेजों की इस व्यवस्था के कारण उसे अपनी स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता पर खतरा महसूस होने लगा। बिरसा मुंडा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने इसके विरोध में अपने कार्य प्रारंभ किए। 1894 में बिरसा मुंडा जी ने सभी लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को संगठित कर लगान माफी को लेकर एक आंदोलन चलाया। लेकिन 1895 में उनके इस आंदोलन के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की सजा देकर पहुंचा दिया गया। बिरसा जी 2 साल बाद जब बाहर आए तो उन्हें महसूस हुआ कि विद्रोह के अलावा और कोई दूसरा विकल्प उनके सामने नहीं है, और यहां से शुरू होती है महत्वपूर्ण जानकारी मुंडा विद्रोह की। दोस्तों, 1899-1900 में बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जो कि झारखंड में आता था, वहां पर एक आंदोलन चलाया जिसे बिरसा आंदोलन या मुंडा आंदोलन या उल गुलान विद्रोह या महाविद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह का उद्देश्य जो था वो था आंतरिक शुद्धिकरण, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। तो इस विद्रोह को चलाने के पीछे बिरसा मुंडा जी अपने समुदाय का हित करना चाहते थे, अपने समुदाय को जो स्वतंत्रता थी वो दिलाना चाहते थे। विद्रोह को प्रारंभ करने के दौरान उन्होंने अपने साथियों को 2 सैन्य इकाइयों में विभाजित किया। कुछ साथियों को उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण व संघर्ष के लिए तैयार किया और कुछ सैन्य इकाइयों को उन्होंने प्रचार करने के लिए भेजा। दोस्तों, इस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इस विद्रोह में केवल मुंडा समुदाय के पुरुष ही नहीं थे, बल्कि
महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अंग्रेजों का पावर बहुत था, सत्ता बहुत मजबूत थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुंडा विद्रोह उनके सामने टिक नहीं सका। 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 में रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु को लेकर भी यहाँ पर दो बातें कही जाती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई है और कुछ विद्वान कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। उनके बलिदान की बात अगर हम करें तो उनका बलिदान जरूर हो गया था, लेकिन वो व्यर्थ नहीं गया। उनने जो संघर्ष किया था उसका परिणाम उन्हें 8 वर्ष बाद मिला और उनकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद 1908 में अंग्रेजों के द्वारा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत खूंट कुट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपने प्रयासों से जनजातीय समाज की दशा व दिशा दोनों बदल दी। आज भी स्थानीय समाज में बिरसा मुंडा को ईश्वर की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, ऐसे में मुझे आज बिरसा मुंडा जी के लिए एक कविता याद आती है। कवि भुजंग मेश्राम की एक पंक्ति याद आती है, आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी हो, यहां वहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोहते हैं मेरे बिरसा, लोग तेरी बाट जोहते हैं मेरे बिरसा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है बिरसा जी की, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने बताई है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी बिरसा मुंडा को लेकर और बिरसा मुंडा के योगदान को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कल फिर लेकर आऊंगा मैं एक नई कहानी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।